बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे और अल्लाह ताला सबको औलाद नरीना अता फरमाए। ये देखिए, मैं गई थी ना बाज़ार, हमें लेनी थी मछली और हमें लेने था कुछ घर का सामान। तो हम जा रहे हैं जी, ये राजा बाज़ार है, हम जा रहे हैं। तो हमने यहाँ से ली मछली, मैंने बर्तनों के लिए लिया शैम्पू, बच्चों के लिए नीमको, मूँगफली, चने। तो ये बारिश थी ना, तो हम जो है ना बारिश के बाद ना हम मछली करते हैं, खाते हैं। तो कल हमारी तरफ हुई थी बारिश, तो हमने ली मछली, तो हम लेने चले गए आज बाज़ार मछली लेने के लिए। ये देखिए, ये पानी खड़ा हुआ है सड़क पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा छोटी सी वीडियो कैसी बनी थी। तो पहले तो मेरे हस्बैंड हमें ले के गए ना बाज़ार। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ फूलों का बाज़ार है। और मुझे आज वीडियो बनाने में इतनी परेशानी हो रही थी ना, तेज़ तेज़ घुमा रहे थे मेरे हस्बैंड मोटरसाइकिल और मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने में। और मैं बीच में से कट कट के मैंने वीडियो बनाई है आज। आज वीडियो बहुत मुश्किल से बन रही थी और आज मेरे मोबाइल को भी पता नहीं क्या हो गया था। और यहाँ से इस दुकान से हमने लिया शैम्पू, मैंने हाथ तब आगे रख दिया था, वो मेरी तरफ एक बंदा देख रहा था, तो मैंने कहा शायद वो कह दे कि आप वीडियो क्यों बना रही है। तो यहाँ से हमने बर्तन धोने वाला शैम्पू लिया, फिर यहाँ से हमने लिए सिंघाड़े, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और ये जोड़ों के दर्द के लिए भी होते हैं और पठों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। और हमने यहाँ से सिंघाड़े लेकर हम आगे मूँगफली बाज़ार में, ये देखिए मूँगफली का बाज़ार है। और यहाँ से हम मछली, ये देखिए हमने यहाँ से ली मछली, ये हम मछली लेने चले गए, मछली लेने चले गए। तो हमने यहाँ से मछली ख़रीदी, यहाँ से ये देखे मेरे हस्बैंड को इस जगह से पसंद आई है। फिर हमने यहाँ पे रोक के यहाँ से ली मछली, यहाँ बहुत बड़ा मछली का बाज़ार लगता है। तो हमने यहाँ से मछली ली, मछली लेने के बाद हम चले गए नीमको ख़रीदने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी नीमको की दुकान है और पांच छह किस्म के हमने नीमको लिया है, एक बारीक नीमको और माश की दाल वाली नीमको, फिर वो जो नहीं होती मोटी नीमको वो वाली ली है, और जो आलू की नीमको होती है वो वाली नीमको ली है हमने। मैं बच्चों के लिए, सर्दी जैसे पड़ती है ना तो मेरी यही कोशिश होती है मैं बच्चों के लिए ना ये चीज़ें ले कर ना अंदर रख लूँ, तो ताकि बच्चे मेरे बार बार ये ना कहें कि हमें पैसे दें हम ये लें। और आपको पता है कि ठंड होती है तो दिल भी करता है खाने को, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ की छोटी सी वीडियो बनाई। यहाँ पे बहुत रश होता है। ये देखें, फिर हम आ गए घर, ये देखें फिर हमने ली है मछली, मछली ली है और ये हमने सिंघाड़े लिए हैं। ये देखें, मैंने कहा मैं आज की ये वीडियो भी आप लोग आप सबके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये मैंने सिंघाड़े लिए हैं, ये मूँगफली है, ये ब्लैक चने हैं और ये बर्तन धोने वाला शैम्पू है। मैं इससे बर्तन धोती हूँ क्योंकि मुझे मैक्स से बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। और एक ये वाली नीमको है, एक ये माश दाल वाली नीमको है, देखें आप, और सात बारीक नीमको है, और ये देखें बारीक नीमको है, और साथ आलू की चिप्स वाली नीमको है। अगर आपको ये मेरी वीडियो आती है पसंद तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी बनी थी और आज का व्लॉग कैसा बना था।
ये देखें मैंने ना 2 किलो मछली लाई थी और मैंने हाफ़ करके बनाई थी, मैंने फुल करके तब नहीं बनाई कि नेक्स्ट टाइम किसी दिन फिर बना लेंगे, तो मैंने आधी मछली बनाई थी, मैंने फुल मछली नहीं बनाई। 2 किलो मछली हमने लाई थी। तो ये माशाल्लाह जो शैम्पू है ना ये बहुत अच्छे बर्तन धोता है, और ये 100 रुपया किलो है तो मैं 2 किलो ले आई थी कि चले मेरा महीना अच्छे से गुजर जाए। मेरे हस्बैंड भी अपनी खोल के निकाल के खाएंगे कि ये वाला शैम्पू है ना मेरा बर्तन बहुत अच्छे धो देता है। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी बनी थी, ब्लॉग कैसा बना था। अभी ये मेरा छोटा बेटा जो है ना वो कह रहा है मुझे खोल के दे, मैंने खानी है, तो फिर मैंने उसे खोल ही नहीं रही थी, फिर मैंने खुद खोली, तो फिर मैंने खुद इसको खोल के उसको दिया खाने के लिए। आपको पता है बच्चों को नहीं पता चलता कि कैसे खोली जाए। ये फिर मैंने उसको खोल के दी, मैंने कहा निकाल लो खा लो। अगर वीडियो पसंद आती है मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।